कर्रा थाना और जरियागढ़ थाना क्षेत्र से लव जिहाद का मामला सामने आया है। लव जिहाद की शिकार में आरोपी लड़का और पीड़िता लड़की नाबालिग हैं। इस संबंध में नाबालिग लड़की के परिजनों ने संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई की गई है और नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया है। ये मामला प्रकाश में तब आया जब लड़की गर्भवती हो गई। मिली जानकारी के अनुसार किशोरी की मोबाइल चैटिंग के जरिए बातचीत शुरू हुई। मोबाइल से शुरू हुई बातचीत लगातार आगे बढ़ती गई। इसके बाद नाबालिग लड़के का लड़की से मिलना जुलना शुरू हो गया। लड़के ने झांसा देकर नाबालिग के साथ यौन शोषण किया, जिससे लड़की गर्भवती हो गई। लेकिन नाबालिग को इसका पता नहीं चला। परिजनों को शक हुआ तो डॉक्टर के पास इलाज के लिए पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने 4 माह की गर्भवती होने की बात कही। इस रिपोर्ट के आधार पर परिजन आनन फानन में थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। एसपी अमन कुमार ने बताया कि शिकायत के बाद नाबालिग लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलते ही आरोपी को पकड़ लिया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी भी नाबालिग है, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में रखा गया है। देखिए, जरियागढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के द्वारा उसके साथ बिना कंसेंट के अवैध रूप से संबंध बनाने का मामला सामने आया था, जिसमें जिस पर आरोप उसने लगाया है वह बच्चा भी नाबालिग है। लड़की के बयान के आधार पर और अनुसंधान के आधार पर बच्चे को निरुद्ध किया गया है और फर्दर जो निरुद्ध करने के बाद जो कार्रवाई है, विधिवत कार्रवाई है, वो पुलिस के द्वारा की गई। गर्भवती है सर, लड़की का 4 माह का गर्भवती होने का बात सामने आया है, जो लड़की कह रही है। हम लोग मेडिकल वगैरह कराए हैं, रिपोर्ट वगैरह आने के बाद उसकी पुष्टि भी हो जाएगी। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।